भाई और बहनों, गरीबों, कामगारों और किसानों के नाम पर योजनाएं तो पहले भी बनती थी, लेकिन वो योजनाएं बिचौलियों तक ही। जब तक बिचौलियों को लाभ न पहुंचे, वो आगे जाती ही नहीं थी। अब वक्त बदल चुका है। ये आपका चौकीदार चौकन्ना है। बिचौलियों और भ्रष्टाचारियों की ये सारी बिचौलिया कल्चर को, उस पर लगाम लगाई जा रही है। अब सरकार और हम कामगार के बीच सीधा संवाद हो रहा है। योजनाओं का सीधा लाभ आपके बैंक खाते में जमा हो रहा है। भाइयों और बहनों, आपके इस चौकीदार की यही ईमानदारी बिचौलियों और दलालों के हमदर्दों को जरा परेशान कर रही है। उनकी नींद आराम हो गई है और इसलिए वो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। 5 साल से दुकानें बंद पड़ी है, दलाली बंद हो गई है, बिचौलियों की कमाई बंद हो गई है और इसलिए चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, क्योंकि उनका दाना पानी बंद हो गया है। लेकिन आपके आशीर्वाद से करोड़ों लोग आज मुझे सुन रहे हैं। मैं फिर वह एक बार कहना चाहता हूं, देश के मजदूरों का, देश के गरीबों का, देश की माताओं बहनों का जो सपने लेकर के बैठे हैं, ऐसे युवाओं का मुझ पर आशीर्वाद है और आपके आशीर्वाद से ये चौकीदार अड़ा है, अपने इरादों पर खड़ा भी है। ये चौकीदार अड़ा भी है, ये अपने इरादों पर खड़ा भी है। वे कहते हैं, आओ मिलकर मोदी को हटाएं। मैं कहता हूं, आओ मिलकर देश से गरीबी और बेईमानी को हटाएं। वे मोदी को हटाने के लिए महामिलावट करने में जुटे हैं और मोदी किसानों कामगारों के हितों को सुरक्षित करने में लगा है। वो मोदी पर स्ट्राइक करने में लगे हैं और ये मोदी आतंक पर स्ट्राइक करने में जुटा है। मुझे पूरा विश्वास है कि चौकीदार का, आपके प्रधान सेवक का जो संकल्प है, उसे आप और मजबूत करेंगे।